फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे आईटीआई के पेपर दो पेपर हो चुके हैं और कितने पेपर बचे हैं, पेपर कैसे होंगे और पेपर में हम पास कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने पेपर हमारे बचे हुए हैं और उनकी डेट क्या है। तो हमारी जो डीजीटी की गाइडलाइन के अनुसार हमारे जो पेपर की तारीख तय की गई है वो हमारी तारीख 15 मार्च के बाद तय की गई है। हमारे जितने भी पेपर अभी बचे हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे पेपर हुए थे अभी दो पेपर, तो उसके बाद जो हमारे पेपर हैं वो 15 मार्च के बाद होंगे। 15 मार्च के एक दो दिन बाद भी हो सकते हैं, चार दिन बाद भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 15 मार्च का टारगेट लेके चलना है। अब हम बताएंगे आपको कि हमारे कौन कौन से पेपर बचे हैं। तो इसमें देख लीजिए, हमारी ये 6 पेपर रहते हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 पेपर रहते हैं, जिसमें हमारा जो है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हो चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हमारा पेपर हुआ था वो 1 मार्च को हो गया था, और ट्रेड प्रैक्टिकल का हमारा पेपर हुआ था, ये भी हमारा पेपर हो चुका है। तो ये मैं दो पेपर हटा देता हूँ। अब हमारे आगे के 3 पेपर बचे हुए हैं, एक नंबर, ये एक पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये 3 पेपर हमारे बचे हुए हैं। ट्रेड थ्योरी जो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें फिटर ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी आती है जो जिस ट्रेड का होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड जो होता है ये 50 नंबर का पेपर होता है, ये भी 15 मार्च के बाद होने वाला है। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का हमारा पेपर होगा, ये भी हमारा जो जिसमें मैथ आती है और साइंस आती है, हमारा 50 नंबर का होगा। तो हमारी ये 3 पेपर बचे हुए हैं आगे वाले, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो इन तीनों पेपर का जो हमारा डीजीटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार 15 मार्च के बाद होने की संभावना है। और एक बात और समझिए, ये पेपर किस तरीके से होंगे, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि इसको हम CVT कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा CVT लिखा रहता है, CVT एग्जाम। CVT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यदि कंप्यूटर से टेस्ट होता है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, और कंप्यूटर में टाइमिंग भी कम रहती है और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए, क्योंकि 15 मार्च बहुत दूर नहीं है, और इन 3 एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो हमारे, हमने आपको बोला था कि कौन कौन से हमारे पेपर बचे हुए हैं, तो हमारे 3 पेपर बचे हुए हैं। हमारा जो 6वें नंबर पे दिया गया है, ये हमारा आईटीआई में ही एक वाइवा टाइप का होता है, तो इसका जो 6वें नंबर का आप टेंशन मत लीजिए, आप 3 टेस्ट की तैयारी कीजिए जो आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ, जो हमारा ट्रेड थ्योरी का टेस्ट होगा ये 100 नंबर का हमारा टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो CVT के थ्रू होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर में ये 50 क्वेश्चन करना पड़ेंगे और आपका 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए फिटर थ्योरी के लिए, माप टूल पढ़ना चाहिए, कटिंग टूल पढ़ना चाहिए, मेटल से आता है, हीट ट्रीटमेंट से आता है, लेथ से इसमें आता है, सेफ्टी से आता है, थ्रेड से आता है। और इसके अलावा जो मैंने ऊपर के चैप्टर लिखे हैं, ये चैप्टर वो हैं जो हमेशा एग्जाम में अधिकतर आते हैं, लेकिन आपको सभी चैप्टर भी थोड़े थोड़े जो मोस्ट क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ना चाहिए। और वो मोस्ट क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो आप हमारे YouTube चैनल फिटर फाइटर से, मैं अगला कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें फिटर थ्योरी के सारे वो क्वेश्चन डालूँगा जो प्रीवियस ITI के सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका मैं एक वीडियो बना के डालूँगा, तो आप उससे सीख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के जो हमारे 50 नंबर का टेस्ट होगा, 50 MCQ इसमें आएंगे, और ये 50 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो 50 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, जबकि थ्योरी का जो होगा 50 MCQ आएंगे और वो 100 नंबर का होगा, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन दो नंबर का रहेगा थ्योरी का, जो मैंने एक नंबर में बताया। दूसरे नंबर में जो बता रहा हूँ ये वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस रहेगी, इसमें हमारा 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की, इसमें मैथ आती है तो आपको मैथ आना चाहिए, और साइंस जो होती है साइंस में मैथ के एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे बॉर्ड मास का नियम होता है, बॉर्ड मास जिसमें ब्रैकेट वाले सवाल होते हैं, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, बेलन के हैं, घन घनाभ के क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद इसमें बर्क एंड हावर्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं। साइंस में जो होते हैं गुरुत्वीय त्वरण वाले क्वेश्चन होते हैं, डेंसिटी वाले होते हैं, आयतन वाले होते हैं, और इसमें जो साइंस में मेटल भी आ जाता है, हीट ट्रीटमेंट आ जाता है साइंस में, और टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये इसका वीडियो में भी एक बना के अभी कल डालूंगा, तो उससे आप वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की तैयारी कर कर
आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं, लेकिन बस आपको वीडियो हमारा जो मैं बनाऊंगा अभी उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड होगा, ये भी हमारा 50 नंबर का होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड में हमारा क्या होगा मैं बता देता हूँ, ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, 50 MCQ जो होंगे वो 50 नंबर के ही आएंगे। तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर में जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मेमोरी क्या होती है, स्थाई अस्थाई, रैम रोम, इसके बारे में। अनुशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आपका कोई गिर जाए या कोई आपके पास आ रहा हो तो आपको किस तरीके से बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें समाज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस चौथे नंबर पे मैंने लिखा नहीं है, इसमें जीएस जनरल साइंस, और पांच नंबर में है जनरल नॉलेज GK, यानी दो चीज़ें और इसमें आ सकती हैं, GK और GS, इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये पांच चीज़ें एम्प्लॉयबिलिटी में पढ़ना है, तो मैं एम्प्लॉयबिलिटी की भी पांच चीज़ों पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप चाहें तो इन तीनों टेस्ट की तैयारी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें बहुत ही परेशानी आपको हो सकती है और आप समस्या में घिर सकते हैं, इसलिए अभी से लग जाइए और 15 मार्च की डेट के लिए आप अभी से बिल्कुल फुल फॉर्म में तैयार हो जाइए इसीलिए। और आप यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिल सकती है, क्योंकि मेहनत ही आपको एक सफलता दिला सकती है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, कोई भी खबर मिलते ही मैं आपको पास पहुँचाऊँगा। ओके, बाय बाय।